तो देखिए तीन सेक्शन है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। तीनों के लिए हमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करनी है। वो कैसे? जैसे केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे ट्वेल्थ के साथ हैं और जो बच्चे विदाउट ट्वेल्थ हैं, दोनों के लिए ही एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास टाइम अब बचा हुआ है उसमें एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है, और हमारे पास इनफ टाइम है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें। अगर हम प्रॉपरली एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो क्लास ट्वेल्थ बोर्ड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। तो आप ये चीज समझिए। अब एनसीईआरटी करने के साथ साथ उसके पीछे की जो एक्सरसाइजेस है अभी आपको वो भी करनी पड़ेगी। तो जैसे क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इस बार का जेईई मेन का पेपर देखेंगे जो एनटीए ने बनाया है, उसमें इनऑर्गेनिक के तो सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑर्गेनिक में हाँ फिर भी मैं बोलूंगा कि कुछ फर्क है या कुछ बाहर के या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इनऑर्गेनिक इज सोलली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो वो आपको करनी ही करनी है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के जेईई मेन के पेपर आपको करने हैं। इस साल जो 8 शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसके उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन करने हैं। साथ ही जेईई मेन जनवरी का जो पेपर हुआ वो तो हमने कर लिया, कम से कम 40 क्वेश्चन, कम से कम देखना मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 40 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं या जिस भी आप कोचिंग में हैं तो उसकी डीपीपी की रिवीजन डीपीपी जो होती है उनमें भी 30-40 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करने हैं। फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो देखिए फिजिकल एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाएगा, ये बात बहुत क्लियर है, इस बार का पेपर देख के भी लगभग समझ में आ गई। आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन पूरे तो नहीं कर सकते, वेटेज कम था इस बार फिजिकल का, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो एक तो आपको अच्छे नोट्स चाहिए होंगे फिजिकल के लिए, अगर आपके पास बने हुए, या फिर जो भी आप बुक फॉलो करते हैं अगर वो अच्छी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आपको क्या करना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, देखिए पिछले 10 साल की जेई मेंस के पेपर करिए, साथ ही साथ जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन, मैंने पहले बोला सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो भी करिए। इससे क्या होगा आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपके पास कोई रिविजन डीपीपी है तो आप उससे भी 25-30 क्वेश्चन कर सकते हैं। केमिस्ट्री में सक्सेस का एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंगली, तो क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है, तो जो आपके नोट्स हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के उनको तो एटलीस्ट आप बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी से रिवाइज करें, जो इम्पोर्टेंट चीजें उन्हें कहीं चार्ट पे लिख लें या फिर कोई एक अलग से रजिस्टर बना लें जिनमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आपको वो बाद में जब आपका अप्रैल का एग्जाम आएगा तो क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। अगर मैं बात करूं मैथ्स के लिए, ठीक है ये अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। अब देखिए दो टाइप के बच्चे होंगे, जो क्लास ट्वेल्थ में है और जो ड्रॉपर है। तो देखिए जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ के हैं, एक सेकेंड के लिए आप रुक जाइए, जो ड्रॉपर है मैं ड्रॉपर्स को बताना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स के साथ में, मैथ्स का मोस्ट ऑफ द सेक्शन मॉडरेट होता है और रिलेटिवली लेस सेक्शन आजकल डिफिकल्ट होता है, तो मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अब हम एज अ डाउटनेट आपको कैसे हेल्प करना चाह रहे हैं मैथ्स में, हम आपके लिए एक सुपर 60 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाले हैं। ये 60 क्वेश्चंस की सीरीज उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके मार्क्स 100, 90, 110 है, और उनके लिए भी जिनके 140, 150 मार्क्स है, क्योंकि इसमें करने क्या वाले हैं सुपर 60 में, हम आपके लिए सबसे पहले लाएंगे 30 इजी क्वेश्चंस। इसके तीन सेक्शन होंगे जिनमें पहला होगा सबसे पहले 30 इजी क्वेश्चन। इसे करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स का। उसके बाद आपके पास दो और सेक्शंस होंगे 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन के। 15 क्वेश्चन का एक जो सेकंड सेक्शन होगा वो होगा आपके लिए सेमी मॉडरेट क्वेश्चंस का सेक्शन, और थर्ड होगा आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन का सेक्शन। डिफिकल्ट क्वेश्चन का सेक्शन हम यहाँ नहीं बना रहे बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन में से हमारे पास 5 क्वेश्चन हार्डली डिफिकल्ट आते, और उनके ऊपर फोकस करने के चक्कर में हम इजी वाले अपने या मॉडरेट वाले छोड़ देते हैं। तो ये जो सुपर 60 क्वेश्चंस की सीरीज है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो तो हम फोड़ के आए पेपर में,
डिफिकल्ट के लिए हम वैसे भी क्या कर रहे हैं, हम पिछले 10 ईयर के जेई एडवांस के क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो डिफिकल्ट वाला भी सिंगल करेक्ट चॉइस ओनली, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट वाले जोन को कवर करेगा। तो अब अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स में हैं, तो ये जो 30 इजी क्वेश्चन है, देखिए 60 क्वेश्चंस की जो हम पर चैप्टर आपके साथ शेयर करेंगे, तो जो पहले 30 क्वेश्चन है ये आपको नहीं करने, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। इससे क्या होगा, देखिए मुझे पता है कि एनसीईआरटी एक अलग लेवल की बुक है और जेई मेन की मैथ्स अलग है, बट ऑब्वियसली हमारे पहले 30 क्वेश्चन करने का मेन एम क्या था, ताकि हम चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर लें। और एनसीईआरटी देखिए क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी कर लीजिए बस, ठीक है, उससे क्या होगा आपके इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। 11th वाले जो चैप्टर है उनके लिए वापस से आपने पास सुपर 60 हाई सही, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ठीक है। तो 12th के बच्चों एनसीईआरटी करनी है, 30 क्वेश्चन अगर टाइम मिल जाए तो ये भी कर लो, नहीं है तो एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी में भी देखो कैसे करना है, पूरे पूरे क्वेश्चन लिखने नहीं है, आपको पता चला कि आपने एक क्वेश्चन किया उसके बाद अगले दो क्वेश्चन सेम ही टाइप के, फिर चौथा क्वेश्चन किया पांचवा सेम है, सातवां क्वेश्चन किया आठवां नौवां दसवां क्वेश्चन सेम है, तो एक क्वेश्चन को पूरा कॉपी पेन लेके पेपर पे करो, क्योंकि बोर्ड्स में भी वैसे ही करना है, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम आपके लिए चैप्टर टेस्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। जैसा अभी हम जेई मेंस जनवरी में लाए थे, कई बच्चे जिन्होंने मैथ्स में हमारे चैप्टर टेस्ट में 120 में से 70-75 स्कोर किया था, मुझे कई बच्चों से मेरी बात हुई, दे स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स इन जेई मेंस 2019 जनवरी, और अभी और बढ़ने की चांसेस हैं बिकॉज कुछ क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, तो उन बच्चों को तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलूंगा, बट आप भी उसी लिस्ट में आ सकते हैं। तो प्रॉपरली जो हमारे चैप्टर टेस्ट होते हैं हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, पुराने पेपर्स को देख करके, हर टाइप के क्वेश्चंस को ले करके, तो उनको आप जरूर दीजिए। इसी के साथ साथ जैसे कुछ जेई मेन सेंट्रिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और सेट्स, सेट्स हम वैसे बोल सकते हैं नॉर्मल भी आता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स इन दो चैप्टर के लिए आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप दो क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल हाइटेंड डिस्टेंस नहीं आया है जनवरी के पेपर में, केवल 2 या 3 शिफ्ट में आया है, तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ही बहुत बेसिक है, बट स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मैथ्स के लिए तो आई थिंक डाउटनेट आपके लिए सफिशियंट काम करेगा, कि अगर आप 2 महीने डाउटनेट को फॉलो करोगे तो आपका मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स लाना गारंटीड है। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में यार इस बार देखा गया कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट आए, और वैसे भी हमने इसे क्लास 11th में पढ़ा था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए मैकेनिक्स को रिवाइज सही से करना है। मैकेनिक्स रिवाइज करने के साथ साथ आपको उसके क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैकेनिक्स डिफिकल्ट के साथ साथ दिक्कत क्या हुई, इस बार जो हमारे थे ना लेंथी फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन है, लेंथी कैलकुलेशन प्लस फॉर्मूलाज वाले, तो बच्चे जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है ना। तो आप जैसे जब भी कोई बुक फॉलो कर रहे हैं या नोट्स फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो रिवीजन करते टाइम जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं या जो भी है इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में क्विक रिवीजन आप उसका कर सके। फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है, तो 10 साल के जेई मेन के पेपर, जेई एडवांस के क्वेश्चन करने हैं हमें कौन से, सिंगल करेक्ट चॉइस, ठीक है, और जो भी आपके बुक फॉलो करते हैं या फिर आप कोचिंग फॉलो करते हैं उसका जो भी रिवीजन मटेरियल अभी आपको मिलने वाला है अप्रैल वाले सेशन के लिए, वो बस कोशिश हम कर रहे हैं कि अभी 1 मार्च से या उसके बाद से हम फिजिक्स के लिए भी चैप्टर टेस्ट स्टार्ट कर दें। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपने जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट किया आप उस चैप्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना चैप्टर टेस्ट दीजिए, इससे आपको अपना जो भी आपने पढ़ा है ना आपको उसका आइडिया लग जाए कि हाँ हाँ मैंने सही पढ़ा है, ठीक है। और कुछ जैसे चैप्टर्स है, जैसे मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, ये दोनों जेई मेन सेंट्रिक चैप्टर है, तो इनके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। अब एनसीईआरटी जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो बोर्ड्स वाले मतलब नॉन बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हल्का फुल्का जैसे थोड़ा बहुत पढ़िए, बाकी क्या करिए पिछले 10-15 साल के जेई मेंस के पेपर और जो इस साल के 8 शिफ्ट के पेपर आए हैं वो कर लीजिए, बस ये आपको करना है अगर आपको 200 प्लस मार्क्स स्कोर करना है जेई मेंस के अप्रैल में।
अब ये करना कैसे है ये भी बता देता हूं। तो देखिए, अगर आप अभी 120 130 मार्क्स भी, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक, आप पूरी चीजें रिवाइज नहीं कर पाए थे और आपके कुछ चैप्टर्स काफी वीक रह गए। तो देखिए, कोई भी चैप्टर को वीक नहीं रहने देना। वीक नहीं रहने देने का मीनिंग क्या होता है, हो सकता है इस वीक चैप्टर से ही आपके एग्जाम में एक इजी क्वेश्चन आ जाए, बट ये चैप्टर आपका वीक था तो मतलब ये क्वेश्चन तो गया। ऐसा नहीं करना है। इसलिए अब आप क्या करो, सबसे पहले जितने भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, या फिर कहीं भी किसी रजिस्टर में लिख लो वीक चैप्टर्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, देन वन बाय वन उन पे काम करना चालू करो। तो पहले 4-5 दिन तो सबसे पहले आपको ये करनी है। अगर बहुत ही सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो वीक है, मान लो कि 90 चैप्टर पूरे सिलेबस में और हमारे 40 ही वीक हैं, तब ऐसा नहीं करना। उस केस में क्या करना है, वन बाय वन चैप्टर नॉर्मल मेथड रखनी है। लेकिन अगर मान लो कि आपके 90 हैं, 90 में से 10 चैप्टर ही ऐसे हैं जो हमारे बहुत वीक हैं और हमने पढ़े ही नहीं कभी, तो पहले एक बार उनको पढ़ लेना है, ठीक है। अब जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उससे कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, या फिर कोई फॉर्मूला है, या फिर जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन है, उन सबको कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि हर बार आपको रजिस्टर नहीं खोलना पड़े, आप वहां देख सको, है ना। अब एक जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट का मिसयूज। देखिए, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चैप्टर टेस्ट भले ही आप दिन में एक दे लें, इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने आज ही पढ़ा है, आज ही आप दे रहे हो, तो इससे आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ हाँ मैंने पढ़ा था इसलिए मैं दे रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने में दिक्कत क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आए तो आप टेंशन में आ जाते हैं, है ना। और अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो क्या होता है कि एक टाइम बढ़ेंगे, दो टाइम बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक वीक में एक टेस्ट से ज्यादा दे रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आप सेचुरेशन लेवल पे आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद ना दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। इनडायरेक्टली आपको लगता है कि अरे यार फिर से टेस्ट देना है, फिर से टेस्ट देना है, तो वो चीज आ जाती है। इसलिए अति मत करना टेस्ट देने की। मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जैसे मार्च के मंथ में तो आप एटलीस्ट 2 वीक में एक टेस्ट दें, इससे ज्यादा नहीं करें, ठीक है। सॉरी, फेब में 2 वीक में एक टेस्ट दें, मार्च में फिर भी आप कोशिश करें कि ऐसे 4-5 दे दें, लेकिन अभी 2 वीक में एक टेस्ट ही दें। अब अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज ऐसे नहीं करना, जैसे मान लिया आपने टेस्ट दिया कंप्लीट सिलेबस, अब पता चला कि कम नंबर आए हैं, तो किस चैप्टर के क्वेश्चन मैंने गलत करे, तो जो गलत क्वेश्चन थे ना उनको यहाँ पे वीक चैप्टर्स की जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें ऐड करो, फिर उसके ऊपर वर्क करो। पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ऊपर वो वीक चैप्टर में चला गया, वीक टॉपिक चला गया, तो नोट्स खोला, देखा कि अरे अरे ऐसे ऐसे था, फिर उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करे, ताकि कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ हाँ मुझे आ गया, ठीक है। तो ये करना है, अपनी वीकनेस को पॉजिटिविटी में बदलना है। देखो, यहां से आपको पता चलेगी आपकी जो नेगेटिविटी है, ये पूरा रास्ता है जिससे आप इससे बनाओगे पॉजिटिविटी में, और जितनी ज्यादा आप अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स बनाओगे उतने ज्यादा आप पॉजिटिव हो जाओगे। और पॉजिटिव मींस प्लस मार्क्स मींस हाई स्कोर मींस 200 प्लस का टारगेट। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब यही अपने 2 महीने या उस जितना भी हमारे पास टाइम है उसका मेन एम होना चाहिए। सभी बातों की एक बात, कई बार कम भी नंबर आएंगे, कई बार ज्यादा भी आएंगे, बट आप लोग पीछे नहीं मुड़ना है, कंटिन्यू फाइट करनी है। तो एक लाइन जो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की हमेशा मुझे काफी पसंद है, वही आपके साथ शेयर करूंगा। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इसी के साथ यही बोलूंगा, फाइटिंग स्पिरिट हमेशा अपने अंदर रखनी है, ठीक है, और मेहनत करती रहनी है अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर ये वीडियो हेल्प